बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर और जनरल पब्लिक भी मेरे से इलाज लेना चाहती है। दूरी के कारण वो टेलीफोन पर संपर्क करते हैं मुझसे और टेलीफोन पर ही अपना केस देकर मेडिसिन जानना चाहते हैं। तो जो ये वीडियो में बना रहा हूँ ये टेलीफोन पे दिया गया केस है और इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए मैंने यहाँ पर पेशेंट की आवाज़ का प्रयोग किया है। ये आवाज़ कुछ हद तक एडिटेड है क्योंकि जो कुछ भी पेशेंट की आइडेंटिटी है उसको एक्सपोज ना करके उसको छुपाने के लिए इस एडिट में से वो कुछ पोर्शन एडिट किए गए हैं जिसमें कि उसका नाम पता हर प्रकार की आइडेंटिटी छुप जाए। ऐसा हालांकि ऐसा पेशेंट ने मुझसे नहीं कहा था, पेशेंट ने तो मुझको ये अपनी कॉन्सेंट दी हुई है कि आप इस वीडियो का ऑडियो का इस्तेमाल वीडियो जनता के साथ शेयर कर सकते हैं, पर फिर भी मैं हर ऑडियो को एडिट करता हूं ताकि पेशेंट की आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने के पीछे या केस शेयर करने के पीछे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को होम्योपैथी सिखाना होता है, जो मैं मेथड करता हूं, जो भी मेरा अनुभव है उसको शेयर करना होता है। तो इसी भावना से ये मैंने किया है और आगे भी जितने भी और केसेस जो ऑडियो केसेस हैं वो सब इसी भावना के तहत बनाए गए हैं। तो ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर की पत्नी का केस है। ये दोनों ही होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी नॉलेज होम्योपैथी की रखते हैं। सेमिनार्स वगैरह भी ये लोग करते हैं ताकि इस जब इतना सेमिनार करते हैं वहाँ स्पीकर होते हैं तो इसका मतलब है कि इनको होम्योपैथी की अच्छी समझ है। परंतु किसी कारण से क्योंकि अपना परिवार का केस होता है तो लोगों को दिक्कत होती है उसकी भावनाओं को समझने के लिए, क्योंकि हम उसको रोज़ देखते हैं पेशेंट को, उसकी बहुत सारी आदतों के बारे में परिचित होते हैं, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से उसको परसीव नहीं कर पाते। हमको लगता है कि भाई ये तो इसकी आदत है, ये तो बोलता ही रहता है, अभी तो इसको अभी कल ही दवाई दी थी आज ये फिर दवाई मांग रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी फीलिंग हो सकती है। पर हमको बिल्कुल अनप्रेजुडाइज्ड होकर रोगी का जो भी अपने पारिवारिक सदस्य है उसका इलाज करने में हमें ये बाधाएं हमारे दिमाग में आती हैं तो अच्छे से केस नहीं हो पाता है। इसी कारण से इसने मुझे फ़ोन करके अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए कहा है। तो यहाँ अब मैं इन लोगों के साथ जो भी वार्तालाप हुआ है उसकी ऑडियो क्लिप आपको सुनवा रहा हूँ। तो अगली वॉइस जो आएगी वो डॉक्टर की होगी और उसके बाद उसकी पत्नी की यानी पेशेंट की होगी। आपको मैसेज किया था थोड़ी देर पहले। हाँ सर, बात कर सकते हैं अभी? हाँ, एक्चुअली मेरे मिसेस है ना, उनको अभी 2-3 दिन से सर लूज मोशन हो रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ तो उसके बाद से मेडिसिन देने के बाद थोड़ा कम हो गया, लोमोटेल दिया था कम हो गया, लेकिन फिर हो रहा था। तो उसके बाद मैंने जो अपने होम्योपैथी के ड्रॉप्स रहते बैक्सन के डायरिया के वो दिए थे, उससे एक दिन आराम रहा लेकिन फिर शुरू हो गया, फिर एकदम पानी जैसा लूज मोशन हो रहा था। तो फिर मैंने कल रात को पोडोफाइलम 200 का एक डोज दिया था उनको, तो उससे थोड़ा पेट दर्द थोड़ा हल्का हो गया लेकिन लूज मोशन अभी भी कंटिन्यू है सर उनको। और अभी लूज मोशन कंटिन्यू है लेकिन रात को क्या हुआ सर, जैसे लूज मोशन के बाद वो उनको वीकनेस आया तो वो ऐसे बोल रहे थे कि मुझे चक्कर आता है, काफी कमजोरी लगती है, और उसके बाद बोलते कि मैं बचूंगी नहीं, मैं जीऊंगी कि नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ये बीमारी की वजह से मुझे परेशानी होती है। ये सर अभी 2-3 दिन से लूज मोशन हुआ, ये बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं, 8-10 महीने से उनको 3-4 बार ऐसा हुआ है लूज मोशन का। तो जब जब उनको ऐसे तकलीफ होता है तो जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाए कि नहीं ये बीमारी मुझे कुछ
तकलीफ देती है, तो मैं जीऊंगी कि नहीं, ये बीमारी में खत्म हो जाऊंगी, ऐसा उनको बार बार लगता है। इसका मतलब कुछ पहले से गड़बड़ चल रही है ना तो उनको? हाँ सर, अभी सर लास्ट दिसंबर में प्रेगनेंसी थी उनको, तभी हाँ। हमारे छोटा बेबी था 2 साल का, हाँ। तो उसको बहुत ज्यादा लूज मोशंस का तकलीफ था, तो उसको एडमिट किया था। अच्छा। तो हाँ, तो वो टाइम पे वो बच्चे की तकलीफ देख के पैनिक हो गई बहुत ज्यादा, हाँ। तो वही गड़बड़ में हॉस्पिटल में उनको मिसकैरेज हो गया था। अच्छा। हाँ, तो इतना हेवी ब्लीडिंग हुआ था सर उनको कि उनका हीमोग्लोबिन जब 11.5 से 7.5 तक आ गया था एक ही दिन में। अच्छा। बेहोश हो गई थी, फिर सुबह में उनको डीएनसी करवाया, एडमिट थी, तो दूसरे दिन होश में आ गई, लेकिन तब से उनकी जो तकलीफें है वो शुरू ही है। मतलब दिसंबर से चल रही है? हाँ, दिसंबर से चल रही। उसके बाद 3 बार वो हॉस्पिटलाइज होगी लूज मोशंस के लिए। अच्छा। और बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि जब वो तकलीफें होती है उनको लूज मोशंस की, उसकी वजह से वीकनेस, तो वो टाइम पे उनको ऐसा लगता है, उनके दिमाग की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये बीमारी क्या हो गई है मुझे, ये मुझे बार बार बीमार पड़ती है, हाँ। कि इसमें बचूंगी कि नहीं बचूंगी, हाँ, ये बीमारी में ये खत्म हो जाऊंगी मैं, ऐसा उनको लगता है। तुमने और क्या? तो अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? क्या हुआ सर? अब मुझसे क्या चाहते हो? हाँ सर, अभी उनको अभी कल भी ऐसे ही तकलीफ हुआ है। हाँ, वो तो सुन लिया। हाँ, मैं अभी वो है मेरे पास, मैं उनसे बात करवा दूँ सर आपकी। अच्छा, मतलब वो आपको ठीक तरह से बता पाएंगे उनका सिम्टम्स क्या है। तो एक मिनट। हेलो। अच्छा, हाँ। अब कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 38 है। 38? हाँ। बच्चा एक है आपका? हाँ, बच्चा एक है, लड़की है। कितना बड़ा? 2 साल की। 2 साल की। अच्छा, हाँ। लेट हुआ है आपकी बच्चा लेट हुआ है या शादी लेट हुई आपकी? शादी लेट हो गई है। शादी लेट हुई है। हाँ हाँ, अब बताओ। हाँ, हेलो। हाँ, बोलो। हाँ, बोलो। शादी लेट हुई है? हाँ, शादी लेट हुई, लेकिन जिस साल में शादी हुई उसी साल में मैं प्रेग्नेंट थी, और नेक्स्ट ईयर डिलीवरी हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, ठीक है। अभी क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? वो बच्ची है ना, वो दिसंबर में उसको रोटा वायरस हुआ था, तो डायरिया, मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे थे उसको, वो देख के थोड़ा सा बहुत डर गई थी मैं। हाँ, क्यों? तो हिस्ट्री में मिसकैरेज हुआ। अच्छा। 2.5 मंथ वो प्रेगनेंसी थी। हाँ। तो उसमें मिसकैरेज हुआ, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ था, 3-3.5 घंटे ब्लीडिंग ही हो रहा था, बहुत हो रहा था। हाँ। तो उसके बाद वो देख के मैं बेहोश हो गई थी। हाँ। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं है, दूसरे दिन ही मैं सुबह को उठी थी। उसके बाद कुछ भी दर्द होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अभी वो सीवियर तो नहीं होगा ना, पीरियड्स भी, मतलब जब मिसकैरेज हुआ ना, उसके बाद इतने रेगुलर पीरियड्स आते है, मतलब आने के बाद थोड़ा डर लगता है, जब भी ब्लीडिंग देखती हूँ ना तो बहुत डर लगता है। और अभी 1-2 महीना जून महीना में थोड़ा सा लेट, एक वीक ऐसे लेट हो रहा है पीरियड। और इस बार भी थोड़ा सा लेट ही हुआ है पीरियड, मतलब 28 डेज का जो साइकिल था, हाँ, अभी 10 दिन ऊपर हो गए। अच्छा। आई ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं तो अभी क्या नहीं आए तो अभी क्या चिंता है? अभी पीरियड नहीं आए तो आपको क्या दिक्कत है उससे?
कुछ पता ही नहीं चलता वो क्यों लेट आ रहे हैं, और ब्रेस्ट भी बहुत हेवी सी लगती है। हैवी मतलब वो तो दिमाग हैवी है या मोटी हो गई है? हेवी है, मोटी नहीं। अच्छा। बहुत हेवी है, पीठ में दर्द होता है, बैठने को भी तकलीफ होती है। आपको तो लगती है, मतलब महसूस होती है हेवी या मोटी बड़ी बड़ी हो गई है? नहीं हेवी हो गई है। अच्छा हेवी हो गई है। हाँ तो ये कैंसर? हाँ ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है ना? ऐसे आपको ऐसे लगता रहता है? हाँ। नहीं तो गांठें उसके अंदर? नहीं वो लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ऐसे कुछ भी नहीं है। कभी कभी हो जाता है हेवीनेस। हाँ फिर वो पेन किलर की दवाई दी थी उन्होंने, वो लेने के बाद थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। हाँ। और मिस्टर ने भी होम्योपैथी का एक मेडिसिन का डोज ला कर दिया था। हाँ। उससे भी थोड़ा सा हेवीनेस कम हो गया है। हाँ। फिर भी ऐसा डर लगा रहता है। क्या डर? कैंसर तो नहीं होगा ना? नहीं, नहीं कैंसर होके क्या करेगा, आपको ये बताओ ना कैंसर से डर क्यों है, कैंसर का डर क्यों है? डर मतलब छोटी बच्ची है ना। अच्छा, मेरी अच्छा, तो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। अच्छा तो फिर ये ब्लीडिंग देख के डर क्यों लगता है? क्या ब्लीडिंग देख के डर क्यों लगता है? ब्लड देख के डर मुझे भी ब्लड देख के डर क्यों लगता है? वो मिसकैरेज के वक्त बहुत ब्लड गया था ना। अच्छा इसलिए? हाँ अभी भी उतना ही ज्यादा लगता है ये लगता है आपको है? हाँ वो कभी भी याद आता रहता है मुझे। क्या मतलब ब्लीडिंग नहीं भी होती तब भी याद आता रहता है? हाँ तब भी याद आता है, और ब्लीडिंग होती है नॉर्मल जब रेगुलर पीरियड्स आते हैं। हाँ। तब भी डर लगता है। हाँ नहीं ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो उससे तुम्हें डर क्या है, बेहोश हो जाऊंगी ये या कमजोरी आ जाएगी या मर जाऊंगी? हाँ वो ब्लीडिंग हो रहा है अभी, मर तो नहीं जाऊंगी ना ऐसा लगता है। मरने का डर लगता है ना? हाँ ठीक है, पर अभी तो ये दस्तों की बात कर रहे थे आपसे ब्लीडिंग, ये तो आपने दस्तों की तो आप कर ही नहीं रहे कोई बात, तो दस्त है नहीं क्या? क्या अभी ये डायरिया की बात कर रहे थे ना आरो? हाँ तो आपको डायरिया नहीं है अभी? हाँ लूज मोशन हो रहे हैं ना अभी। तो उनसे डर नहीं है ना? उससे ज्यादा डर इस बात का लगता है, और अभी सुबह से मैं 4:30 बजे से तकलीफ हो रही है ना, तो थोड़ा भी बीमारी ऐसा आता है तो ऐसा लगता है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना। नहीं तो सुबह 4:30 बजे से तकलीफ क्या हो रही है, दस्त वाली या कुछ और? नहीं सुबह 4:30 बजे से ही मुझे तकलीफ हो रही है, लूज मोशन हो ही रहा है। अच्छा अच्छा। मैं गोली खाती हूँ उतने देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर लूज मोशन चालू हो जाते हैं। हाँ तो मैं नींद भी आती है ढंग से? नींद वगैरह आती है ढंग से? हाँ नींद आती है। चैन की नींद नहीं आती, मस्ती वाली नहीं आती? हाँ ऐसे शांति से सोई हूँ ऐसे नहीं होता। हाँ, हाँ। बीच में ही जाग जाती हूँ, वो बच्ची ठीक से सोई है कि नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी वजह से जाग जाती हूँ। नहीं तो बच्ची का क्यों रहता है, क्या दिक्कत रहती है उसको, ठीक से वो सो नहीं पाती है क्या या वैसे? नहीं वो अभी वो ठीक से सो पाती है। हाँ। वो उसकी वजह से थोड़ा सा डर लगा रहता है, उसको कुछ जब तकलीफ होती है कुछ भी ऐसे वो चुपचाप शांति से भी बैठती है ना। हाँ। तो डर सा लगा रहता है इसको क्या हो गया, वो कुछ शांति बैठी है खिड़की नहीं रही है, वो वैसा उसी की वजह से दिमाग में ख्याल आता रहता है। अच्छा। कि वो क्यों ऐसी शांति बैठी है। हाँ, हाँ। वो ठीक से सो पाती है कि नहीं, एक मतलब दिन भी उसने खाना नहीं। जबकि सब कुछ सही सो रही होती है
फिर भी तुम्हें क्यों चिंता लगती रहती है उसकी? वो ठीक से सोती है उसका उसका फिर भी वो ठीक से सोई है कि नहीं? फिर भी रात को हाँ उसके आंख पे चादर है कि नहीं? ऐसा दिमाग में सोने के बाद भी ऐसा दिमाग में आता रहता है और जाग जाती हूँ मैं कि वो ठीक से सोई है। सारा दिमाग तुम्हारा बच्चे पे रहता है? हाँ सारा ध्यान उसी पर रहता है। तो ये तुम सब तुम्हारा दिसंबर 2018 को ही शुरू हुआ ना, ये उससे पहले बिल्कुल ठीक थे तुम? हाँ उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल खेलती थी। नहीं तुम भी ठीक होते थे, तुम भी ठीक रहते थे उससे पहले? तुम्हें वो बीमार भी होती थी ना तो भी ऐसा दर्द नहीं लगता था कि अभी क्या होगा ऐसा, तब भी मतलब नॉर्मल था सब कुछ। उसको दांत आने के वक्त भी थोड़ा सा लूज मोशन था, उल्टियाँ होती थी बच्ची को, ऐसे डर नहीं लगा रहता था। हस्बैंड मेडिसिन वगैरह देते थे तो वो ठीक से खेलती थी, खाती पीती थी। वो अब भी ठीक से खेलती है, खाती पीती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ही डर लगा रहता है कि अभी वो बाहर गई कुछ होगा तो नहीं, घर पे शांति बैठी है, खाई खाती पीती की नहीं, मतलब वो अभी खाती है जितना मैं उसको खिलाती हूँ ना, वो ठीक से खाती है, दूध पीती है, उसका उसका वो खेलती है। फिर भी उसी के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहती हूँ। ठीक है चलो। तो अभी मेरे को आपको आज डेली बताना 2-3 दिन दवाई देने के बाद? जी सर। अभी मैं दवाई बताऊंगा ना तो फिर आपको मुझे दोबारा या तो आज शाम को बताना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो फिर कल बताना पड़ेगा इस टाइम। जी सर। ठीक है तो चलो। दो तुमको पहले भी एक बार दवाई दी थी ना मैंने, बहुत है ना? हाँ सर, हम लोग आपको मुंबई में मिले थे। अच्छा, नहीं तो मुंबई में दवाई थोड़ी दी थी मैंने, शायद फोन पे दी थी पहले भी। नहीं नहीं हम दवाई उन्होंने दी थी, आपने उनको बोला था ना? क्या बोला था? तो उन्होंने आपने मैं आपको रमाड़ा होटल में मिली थी। अच्छा। हाँ तो हस्बैंड को बताया था ना आपने मेडिसिन? हाँ। उन्होंने पुणे में आके दी थी मुझे। अच्छा, क्या नाम बताया था? वो याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो टाइम पे तो उनको थोड़ा ठीक था, लेकिन उसके बाद से उनको बाद में थोड़ा और अच्छा रहा, लेकिन हमारे घर मेहमान आ गए थे वो मामा का। हेलो, तुमको मतलब बाद में पहले तुमने कंसल्टेशन नहीं लिया था फोन पे पूना में से कहाँ से? पहले भी लिया था इलाज तो पहले भी लिया था मैंने। नहीं नहीं फोन पे लिया था, फोन पे आपको सर रमाड़ा में आके मिले थे ना, तो उसके बाद आके हाँ तो मैंने आपको फोन पे बताया था तो थोड़ा कम था, तो आपने बोला वो कंटिन्यू रखो प्लेसिबो पे थोड़े दिन फिर देखते। ये बात थी अक्टूबर की और दिसंबर में ये ऐसा हो गया सर, उसके बाद से ये तकलीफें शुरू हो गई। अच्छा अच्छा, मतलब रमाड़ा से पहले कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं सर, रमाड़ा से पहले उनको कुछ तकलीफ नहीं थी इतनी ऐसी, बात नहीं करी थी तुमने? नहीं नहीं सर, रमाड़ा के पहले तो सर हम सेमिनार में मिलते थे सर, उतना ही था और कुछ। ओके सर। तो अभी तुमको मैं इसको क्या क्या दवाई दी अभी बता रही है? हस्बैंड ने दवाई दी है मुझको कुछ। हाँ सर। अभी आपको क्या क्या दवाई दी इनको? अभी आप कह रहे थे ना ब्रेस्ट के लिए दवाई दी मेरे को। हाँ सर, उनको मैंने इग्निशिया 200 दिया था, बहुत चिड़चिड़ कर रही थी वो टाइम पे। हाँ हाँ, हेडेक हो रहा था, चिड़चिड़ कर रही थी, किसी बात पे सुन नहीं रही थी। हाँ। मतलब वो उनकी कंसर्न से वो बराबर थी, ऐसे चल रहा था। तो 200 का एक डोज दिया था, उससे उनको ब्रेस्ट में जो हेवीनेस था वो कम हो गया। हाँ। थोड़ा दिमाग चिड़चिड़ापन भी कम हो गया था तो अच्छा लगने लग गया, लेकिन वो बोल रहे थे पूरा हल्का नहीं हुआ इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दिया। हाँ। तो वो बोल रहे थे ठीक है, थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस होता है तो उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ। वो उसकी दवा अभी दे रहे थे तो अभी ये उसके बीच में ही ये लूज मोशन स्टार्ट हो गए उनको। अभी से उनको दस्त लगे हुए हैं ना? हाँ सर, पेट दर्द होता है और लूज मोशन हो जाता है। ठीक है। हाँ सर। तो अभी या तो
शाम को बात कर लेना मेरे से, नहीं तो कल बात करना इस वक्त। आप जैसा बताएंगे वैसे, सुबह में ही नहीं तो शाम को, आप अगर इसको थोड़ा इसको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आज रात शाम को बात करनी है, 7 से 8 के बीच में, ठीक है? 4 से 8 के बीच में, 7 to 8। ओके, 7 to 8। अगर ठीक लगता है थोड़ा तो कल बात करनी है, और अच्छा लगता है तो कल सुबह यही टाइम पे। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। और पेमेंट मेरे को करनी है, पेमेंट का तुम्हें मालूम है? हाँ सर, आप मुझे बोल दीजिए कैसे करना है, मैं कर देता हूँ। मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट कंसल्टेशन 2000 का है, ठीक है? हाँ सर। उसके बाद फिर देखेंगे, 500 पर कंसल्टेशन होता है, वो मैं मैसेज करूँगा अभी अकाउंट नंबर। हाँ चलो ठीक है, ठीक है सर, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और जो पुअर हेल्थ चल रही है तो ये कुछ तो गड़बड़ है ना तुम्हारे को, या तो टेंशन तुम लोगों ने रखी हुई है कोई लाइफ में, इतनी हेल्थ थोड़ी चलती है खराब जैसे इसकी है। हाँ हाँ तो अभी देखते नहीं तो इसको फिर रेगुलर वीकली कांटेक्ट मेरे से रखना ही पड़ेगा। हाँ चलेगा सर, ठीक ओके सर। चलो अभी मैं थोड़ी देर में करूँगा, अभी पेशेंट देख के ना। हाँ चलेगा सर, कोई बात नहीं। हाँ, एक डोज ना? हाँ एक डोज काफी, 2-3 बार दे दो कोई बात नहीं, 10-10 मिनट से। ठीक है सर, ओके ठीक है। तो अभी ये कन्वर्सेशन आपने सुना पेशेंट का मेरे साथ, इसमें मैंने दवाई का नाम आपको हटा दिया है ताकि आप कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, और इसको सुनकर जो मैंने रूब्रिक बनाए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पर इसमें सबसे बड़ी बात देखने की आपको ये है कि रोगी का अटेंशन कहाँ पर है। तो इस जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, हालांकि ये काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है, क्योंकि बार बार डायरिया हो जाना ये कोई मामूली समस्या नहीं है, या इतना ब्लीडिंग एकदम से हो जाना कि वो हीमोग्लोबिन 7 रह जाए, बेहोश हो जाए, रिपीटेड डायरिया जो, तो ये बहुत ही पुअर हेल्थ की निशानी है। और अभी पति ने इसको जो फ़ोन किया मुझे वो डायरिया के लिए किया है, लेकिन रोगी ने कुछ ही देर के बाद अपना सारा फोकस उसका बच्चे पे आ जाता है। तो बात मैं उसकी कर रहा हूँ तो वो बात कर रही है बच्चे की। बच्चा जब आराम से सो रहा है तो भी वो बच्चे की तरफ ही मतलब ध्यान रखती है कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे वगैरह वगैरह। अब डिटेल में मैं भी और समझाऊँगा आपको। तो ये इसका मतलब है कि उसका जो दवाई का सिलेक्शन होगा हमारे उस बच्चे वाले रूब्रिक से होगा। तो ये देखना होता है सिलेक्शन करने के लिए दवाई का कि पेशेंट का अटेंशन कहाँ पर है, यानी उसके लिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसको हम हटाएंगे दवाई के द्वारा, या हटाएंगे या उसको मॉडरेट करेंगे, जैसा भी दवाई की एक्शन होगी। यानी दवाई का चुनाव मरीज की उस मानसिक अवस्था पे होगा, ना कि सिम्टम्स पे होगा। तो मानसिक अवस्था को सिम्टम्स से दर्शाया जाता है रूब्रिक्स। तो ऐसा नहीं होता कि हम मेंटल सिम्टम लेते हैं, हम मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट की मानसिक अवस्था इस वक्त क्या है वो लेते हैं, और वो हम पेशेंट से ही बात करके या उसको देखकर ही समझ पाएंगे अच्छे से। बाकी दूसरे लोग जब भी हमको टेलीफोन पे बताएंगे या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो वो उसमें अपनी फीलिंग भी मिक्स करके बताते हैं, या जैसा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमको बताते हैं। तो उससे बहुत ही साफ और स्पष्ट और सही एक्यूरेट फिल्म जो पिक्चर है रोगी के मन की, वो हमको कभी कभी मिल पाती है, बहुत बार नहीं मिल पाती है। तो इस बार कई बार पेशेंट के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन हम चुनते हैं वो कई बार गलत होने की संभावना रहती है। तो पर इसीलिए मैंने ये ऑडियो क्लिप सुनवाई है ताकि आप समझ सको कि पेशेंट कैसे बोलता है और हम उसको क्या सिम्टम लेते हैं। तो अभी मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ और फिर उनको पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि कौन कौन से सिम्टम मैंने लिए, और बाद में उनको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये क्यों लिए। अभी मैं ये रूब्रिक्स आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एंग्विश फीवर विद इंटरमिटेंट, एंग्जाइटी अबॉर्शन थ्रेटनिंग विद, एंग्जाइटी क्रैम्प इन स्टोमेक ड्यूरिंग, एंग्जाइटी डार्क इन,
एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, चिल ड्यूरिंग, डेलीरियम, चिल ड्यूरिंग, डेल्यूजन इमेजिनेशंस, फैंसी ऑफ चिल ड्यूरिंग, ड्रीम्स, चाइल्ड चिल्ड्रन अबाउट, ड्रीम्स चाइल्ड चिल्ड्रन अबाउट बीटन, ही हैड बीटन, फियर, एबॉर्शन इन थ्रेटनिंग, इम्पेशेंस चिल्ड्रन विद, वीपिंग टीयरफुल मूड इन जर्नल, एबॉर्शन इन थ्रेटनिंग अबॉर्शन। इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने रोगी को काली कार्ब 30 की एक खुराक इनको खिलाई थी और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आगे दी थी कि कब कब रिपोर्ट करना है, कब दवाई देनी है, ये सब मैंने उसको दे दिया था। तो सारी डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको जनता भी बहुत सारी देखती है कि जनता को कंफ्यूज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि उसको मैंने काली कार्ब की डोज दी थी। तो अब क्यों दी थी ये हम थोड़ा सा समझेंगे। इस केस के बहुत सारे यानी 13 रूब्रिक मैंने आपको लिख के बताए हैं, तो परंतु मैं सारे के सारे 13 रूब्रिक ही मैं आपको नहीं समझाऊंगा। जो इसमें महत्वपूर्ण रूब्रिक हैं वो बहुत सारे वो मैं समझाऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके आधार पे प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो एक रूब्रिक है इसमें एंग्जाइटी डार्क इन, और दूसरा एक रूब्रिक है इसके अंदर इम्पेशेंस विद चिल्ड्रन। बाकी इतने ज़्यादा रूब्रिक इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये दो रूब्रिक थे जिनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था यानी काली कार्ब का सिलेक्शन हुआ था। तो पहले हम इनको समझते हैं। जैसे एंग्जाइटी डार्क इन, तो एंग्जाइटी का मतलब हिंदी में अगर लें तो चिंता होता है। चिंता का मतलब होता है कि जब हम किसी एक ऐसी घटना की कल्पना करते हैं कि किसी घटना के परिणाम स्वरूप ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, यानी हो नहीं हो जाएगा का मतलब हम लोग बिल्कुल पक्के तौर पे निश्चित रूप से जानते नहीं हैं कि इस घटना का परिणाम ये होगा। और अगर कभी अच्छा परिणाम आता है या हमको अच्छा परिणाम आने की उम्मीद होती है तो हम कभी भी उससे घबराते नहीं हैं, हम शांत रहते हैं, उल्टा खुश रहते हैं। परंतु जहाँ पर भी हमें ये लगता है, एक शंका होती है, शंका कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं में भी नेगेटिव का जो रिजल्ट है उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा परिणाम आने की संभावना बहुत कम होती है, तो उस नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन वो नेगेटिव होना भी सर्टेन नहीं है, 100% सर्टेन नहीं है। तो ये दोनों संभावना है, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। परंतु जैसे खराब होने की संभावना मान लो 90-95% है, अच्छा या 60% है या 70% है, और अच्छा होने की संभावना 1-2% या 10-20% है, तो हमारा दिमाग उस खराब ना होने हो जाए इस चीज को सोच सोच के घबराता रहता है, तो उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। डार्क इन यानी अंधेरे में, तो अंधेरा कब होता है, जब अंधेरा हो जाता है तो आप देखते हैं कि हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, कहाँ गड्ढा है, मतलब कुछ भी, तो उसमें दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, नुकसान होने की संभावना बहुत होती है। तो ये किस्म का ये अज्ञान का अंधकार भी कहा जाता है और ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। तो जब हमको मालूम नहीं होता कि क्या होगा, क्या होने वाला है, तो एक यानी सब कुछ सामने रिजल्ट स्पष्ट रूप से हमको दिख नहीं रहा, तो इसलिए हमें उसको डार्क कहते हैं। तो ऐसी अवस्था जहां हम अच्छे रिजल्ट के आने के बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से जानते नहीं कि क्या घटना हो रही है, क्या रिजल्ट होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, तो उसको डार्क की स्थिति कहा जाता है। तो अब ये जो महिला है इसको डर लगा रहता है, यानी
अब इसको डर शब्द कहें या चिंता कहें, पर इसकी फीलिंग यही होगी कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझको अबॉर्शन हो जाता है, क्यों बार बार दस्त हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको इसलिए डार्क लिया गया है। तो अब उस डार्क का ज़्यादा रिजल्ट कहाँ पर आता है? तो ये थ्रेटनिंग है, ठीक है, अबॉर्शन हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, तो पर उनसे ये ज़्यादा नहीं घबरा रही है, क्योंकि जब भी वार्तालाप होता है तो इसका पूरा ध्यान फिर उठ के बच्चे की तरफ चला जाता है। बीच में खुद ही ये बच्चे के बारे में बात करने लगती है कि मेरे 2 साल की बच्ची है, उसकी वजह से इसको दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि भाई जब उससे दस्त ने बीमार नहीं थी, उससे पहले कुछ नहीं था, जब ये छोटी बच्ची थी, जांत निकल रहे थे, तब भी परेशानी होती थी, तो दवाई पत्ती देते थे तो वो ठीक हो जाती थी, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। परंतु अब जब इसकी अपनी सेहत खराब हो गई है, यानी ये उस बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो इसको लगता है कि अगर मेरे मैं मर गई तो मेरे बाद क्या होगा। तो जब बच्चा रात को आराम से चैन से सो रही है, तो माँ को भी चैन से सोना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं है और सो आराम से रही है, खा पी आराम से रही है, यानी हर प्रकार से बच्चा ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात ऐसी अवस्था में होती नहीं है। परंतु ये बार बार क्या कहती है कि वो अगर सो रही है तो फिर भी उठ उठ के बीच में देखती रहती है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर वो करवट भी बदलती है तो उसको लगता है कि कोई इसको परेशानी तो नहीं हो गई है, हालांकि ये खुद भी जानती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको अपने बच्चे को कुछ परेशानी ना हो, उसकी लाइफ आगे ठीक चले हर चीज़ की, तो ये उसको जरा सी भी तकलीफ, देर के लिए तकलीफ में नहीं देखना चाहती, परेशानी में नहीं देखना चाहती। और डेथ के बाद तो, इसकी अपनी डेथ के बाद तो बच्चे की ज़िंदगी में सारी परेशानियां आ ही जाएंगी, बिना माँ का बच्चा तो परेशान होता है, ये तो एक बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। तो उसके कारण ये चाहती है कि मैं स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं, ताकि इस बच्चे की मैं देखभाल अच्छे से कर सकूं। तो इसलिए इसको इम्पेशेंस अबाउट हिज चिल्ड्रन होना चाहिए रूब्रिक, पर ये सॉफ्टवेयर वालों ने इसको इम्पेशेंट विद हिज चिल्ड्रन लिख दिया है। तो ये विद नहीं है, ये अबाउट ही है, तो ये गलत है, विद का रूब्रिक गलत है, बिल्कुल गलत है ये। तो विद का मतलब तो होता है कि वो बच्चे तंग करें तो उनकी पिटाई भी कर सकती है, पर ये काली कार नॉर्मली ऐसे नहीं करता है। जब इतना दुखी ये रहती है, इतनी चिंतित रहती है बच्चे के बारे में, तो उसको फिर सपने भी वैसे ही आएंगे, यानी जो चीज़ सारा दिन हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो अक्सर देखा गया है कि उसी चीज़ से संबंधित सपने हमको आते हैं। तो यहाँ इसको जो सपने का रूब्रिक दिए हुए, ड्रीम्स अबाउट चिल्ड्रन, तो रात को इसको सपने भी बच्चों के आ रहे हैं, कि उसको ये भी लग रहा है कि उसने बच्चों को पीट दिया, यानी इसके कार पीटने का मतलब है नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, तो उसका लगता है कि मैंने बच्चे के, मेरे कारण बच्चे को तकलीफ हो रही है, यानी मैं खुद बीमार हूं तो मैंने उसको तकलीफ पहुंचाई है, मेरी बीमारी के कारण उसको तकलीफ पहुँच रही है। तो जो काली कार्ब होता है उसका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ होता है। बच्चे का मतलब ये नहीं है कि कुछ उम्र में बच्चा होता है, बच्चा वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट है, चाहे वो छोटा 2-4-5 साल 10 साल का हो, या फिर 100 साल का, 80 साल का, 90 साल का कोई बुजुर्ग हो, वो भी बच्चा ही कहलाएगा अगर उसकी देखभाल आपको करनी पड़ रही है, वो उसको करने की स्थिति में नहीं है। यानी जो जिम्मेवारी उठाता है वो बड़ा होता है, और जिसकी जिम्मेवारी उठाई जाती है वो छोटा होता है, फ्रिजाइल होता है, तो उसकी जिम्मेवारी उठाना, उसको फिर हम बच्चे के रूप में देखते हैं। तो ये काली कार्ब अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेता है, और अपनी बिल्कुल पूरी शक्ति लगा देता है, अपने पूरे जितना भी इसमें सामर्थ्य है वो लगाकर भी उन जिम्मेवारियों को उठाता है। तो अब रात को ये सो रही है तो इसको सोना चाहिए ना, तो ऐसी जिम्मेवारी की कोई बात नहीं है, जबकि उसका पति भी साथ ही सोता है, वो भी तो उसका बाप है, उसकी भी जिम्मेवारी है कुछ ना कुछ, पर वो मस्त होकर सो जाता है, तो जबकि ये नहीं सो पाती, हालांकि बच्चा ठीक ढंग से सो रहा है। तो ये अपनी जिम्मेवारियों को और ज़्यादा ढंग से उठाने के लिए, मतलब इसके अंदर से कुलबलाहट ही होती है जिम्मेवारियों को उठाने की, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई डंडे का जोर नहीं होता है कि तेरे को ये काम करना होगा, पर इसको खुद लगता है कि मेरी जिम्मेवारी है,
एक किस्म के कहें कि ये घर का बुजुर्ग होता है जो सबको अपने हिसाब से देखभाल करके सही ढंग पर रखना चाहता है, तो इसलिए मैंने इसको काली कार्ब दी थी। हालांकि काली कार्ब के कई केस मैंने और भी डाले हुए हैं, तो आप उन वीडियो को देखकर भी काली कार्ब को और अच्छे से समझ सकते हो। तो अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनाऊंगा कि जो काली कार्ब देने के बाद रिजल्ट आया। हाँ सर, कल वो काली कार्ब दिया था मैंने मिसेस को। हाँ तो उसे कल दोपहर से लेके रात तक उनको अच्छा था, अभी सुबह से एक बार फिर लूज मोशन हो गया, एग्जॉस्टिंग हो गया एकदम लूज मोशन, तो चक्कर ही आ गए उसको उधर से निकलते। हाँ मैं देता हूँ उनको फोन। अच्छा हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। कल दोपहर से मुझे नहीं थे फूड मोशन, आज सुबह हुआ तो बहुत वीकनेस लग रहा है मुझे, जैसे चक्कर से आ रहा है। अच्छा तुमने खाना पीना सही ढंग से खाया? हाँ खाना खाया है मैंने, कल रात को दही चावल खाए थे। हाँ पूरा पेट भर के अच्छे से खाया? हाँ अच्छे से खाया था। अच्छा और सुबह से क्या खाया? सुबह से कुछ खाया नहीं? खाया नहीं सुबह से, खाया नहीं, वो और इसका पानी पिया है सिर्फ। क्यों भूख नहीं है? वो और इसका पानी पीते हो ना तो पेट ऐसा भरा सा रहता है, भूख नहीं लगती इतनी। नहीं ORS का कब पीते है पानी, मतलब मैं ये पूछता हूँ इतने सारे ORS क्यों पीते हो, इतने सारे दस तो आ नहीं रहे आपको, एक ही आया है फिर क्यों पी रहे हो? एक ही आया है तो उसमें तो बहुत सारा पानी चला गया तो चक्कर से आ गया, मतलब बिल्कुल वाटरी आया पानी बस आया बस। हाँ नहीं फिर भी जो तुम्हारी जो भी दो चार दस दिन से हालत चल रही थी उसके मुकाबले में तुम्हारा वो कैसे लग रहा है? कल दोपहर से अच्छा लग रहा था, मतलब पेट दर्द भी नहीं हो रहा था, बाकी दस्त भी नहीं हुए, आज सुबह हुआ है, कल रात को नींद भी आ गई थी। नींद भी आ गई थी, पहले भी आती थी नींद अच्छी? नहीं कल रात को मतलब सोई तो मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई। मतलब पहले कैसी होती थी नींद, पहले कैसी होती थी नींद? से मतलब 3:30 बजे उठ जाती थी, 4 बजे उठ जाती थी। हाँ ठीक है, तो अभी ये जो मोशन आया है आपको तो उसके बाद उससे तुम्हारा जो मन है जो तुम्हें बच्चों की चिंता है कि मैं मर जाऊंगी छोटे बच्चे हैं ये वो सब कैसा है? नहीं ऐसे तो कोई ख्याल नहीं आया, चक्कर आ गया बहुत, दीवार को पकड़ के खड़ी रही थी बहुत देर तक, लेकिन ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। हाँ नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, अच्छे से खाना पीना खाना है खूब सारा जो भी अच्छा तुम्हें लगता है खाने में। जी सर ठीक है, अभी कुछ कोई नहीं चाहिए तुम्हारे को, अभी दवाई ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो फिर दोबारा, अगर रात को टेंशन आने लगे या रात को नींद नहीं आए तो बार और। जी सर ठीक है। जी सर और ठीक रहे तो कोई बात नहीं है, फिर तो मेरे को 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बता देना, नहीं ठीक रहे तो फिर दोबारा कल बात करना। हाँ सर ठीक है। हाँ सर एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ समझ सुनाई देगा तुम्हारे को? हाँ सर ठीक है, तो अभी इसको दवाई तो ठीक है, मेंटल टेंशन भी इसके हट गई है। हाँ सर तो अभी देना कुछ नहीं है, अगर लगे हाँ भी दोबारा खराब हो रही है तबियत उसकी, दिमाग की टेंशन में आ गया बच्चों को लेके अपने को लेके मैं मर जाऊंगी ये वो जो भी है, तो फिर इसको ट्रीट कर देना। ठीक है सर, अभी खाने पीने को खाने पीने में जो उसको अच्छा लगे वो खाइए पेट भर। कल तो अच्छे से खाया उसने, दिन भर कुछ गुलाब वगैरह नहीं थे तो अच्छा लगा। हाँ। लेकिन अभी सुबह एकदम, अरे भाई नहीं ना इसको इतने सालों से चल रहा है गड़बड़ के, तो एक दिन में थोड़ी जाएगा। हाँ उसको टाइम लगेगा। हाँ चला जाएगा।
ओके सर, काफी टाइम उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, इसको पूरा 6-7 महीने के करीब लगेगा, क्योंकि 6 महीने वाला पैकेज ले लो वो अच्छा है, मैं तो रोज बात करनी पड़ेगी मुझको। हाँ वो 6 महीने वाला ले लो, 6 महीने में काफी ठीक हो जाएगी ये, अभी तुम बेड ले चुके हो, बाकी का बैलेंस जमा करके ना फिर वो ठीक है। ठीक है सर, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या हर रोज ऐसे बात करनी पड़ेगी, और हम तो 500 हर बार लेते हैं सर, दिन में 3 बार करेंगे 3 बार लेते हैं। अच्छा पैकेज में तो सब की बात है, 6 महीने का करना देता हूँ। हाँ, हाँ, तो अभी 8,000 रहेगा तो मैं आपको पे करवा देता हूँ। हाँ हाँ चलेगा, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी आपने देखा कि काली कार्ब देने के बाद इसकी जो चिंता थी बच्चे को लेके वो पूरी तरह से हट गई, ध्यान सिर्फ दस्तों पे अपनी सेहत के ऊपर आ गया। तो यानी इंसान का ध्यान अपनी तरफ आना ये बहुत अच्छी बात होती है, परमात्मा ने हमको व्यक्तिगत रूप से बनाया है, तो सबसे पहले हमारा जिम्मेवारी अपने ऊपर बनती है, अपने प्रति बनती है। तो जैसे एक भजन भी है ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, यानी जब आप क्या अंदर खुद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगा तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हो। तो इसलिए स्वस्थ माइंड जो होता है वो अपनी तरफ ध्यान देता है, अपने सर्वाइवल की बात करता है। तो इसलिए ये बच्चे की तरफ से ध्यान हट के अपनी तरफ आ जाना ये एक अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। यानी जो मानसिक एक किस्म की विकृति हो गई थी या जिस कारण से ये इतना डिजीज प्रोसेस में चली गई थी, तो वो वजह इसकी अब हटी है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी दवाई पूरी तरह ठीक है, पूरी तरह से नींद आई रात को ही, जैसे एक तो खाना पीना इसका अच्छा हो गया, बच्चे की तरफ से ध्यान हट गया, और रात को सोने के बाद ये सुबह ही उठी, जबकि पहले 3-4 बजे 2:30 बजे ऐसे उठ जाती थी, बीच बीच में बच्चे को भी देखती रहती थी। तो ये बहुत बड़े बदलाव इसके अंदर आ गए हैं। तो धीरे 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 इसी तरह से ये ठीक होगी, फिर हम रूटीन दवाई इसको देते रहते हैं ताकि रिकवरी हो जाए, और बीच बीच में मरीज जब हमसे बात करता रहता है तो फिर हम उसको इवेलुएट करते हैं कि अब कब दवाई को बदलना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसने कुछ दिनों के बाद मुझको फ़ोन किया, तो मैं वो द्वारा वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवा रहा हूं। ये लंबा वीडियो है पर ये ज़रूरी है कि कैसे लंबाई बनाना, क्योंकि हालांकि रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं दी है इसमें, तो पर इसके साथ जो वार्तालाप हुआ उसको भी बताना ज़रूरी है। अभी तो जैसे दिन काले दूसरे दिन तक वो थोड़ी ठीक थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा लूज मोशन हुआ, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया है। हाँ, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन भी हो गया था, वीकनेस बहुत था, लेकिन